दोस्तों आज हमारे पास है इन्फिनिक्स जीरो 5G 2023 टर्बो स्मार्टफोन, जिसकी हमने अनबॉक्सिंग की थी। और दोस्तों इस नए स्मार्टफोन में जो है हमें नए अपडेट देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों उसका जो है कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इसमें जो है हमें क्या नया देखने को मिलने वाला है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आपका स्वागत है हमारे निकुल ऑप्शनल चैनल में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। तो यहां पर हम सिंपली सेटिंग पर क्लिक करते हैं। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे एक आपको ऑप्शन दिखेगा सिस्टम का, तो सिंपली दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है सिस्टम अपडेट का, आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ऑनलाइन अपडेट का और लोकल अपडेट का। आपको सिंपल यहाँ पर ऑनलाइन अपडेट पर क्लिक करना है और फिर दोस्तों यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, देखिए आपका ऑनलाइन अपडेट है और एक लोकल अपडेट है। यहाँ पर आपको सिंपल आपका जो डाटा रहता है आपको ऑन रखना है और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब देखिए आपका जो अपडेट है यहाँ पर सिंपली आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपका जो अपडेट है यहाँ पर 373 MB मतलब 373 MB का आपका अपडेट है, 373 का अपडेट है। और दोस्तों यहाँ पर इस अपडेट में आपको देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन द अपडेट में क्रैश रूटेड, मतलब आपका जो डिवाइस है यहां पर रूटेड होगा और यहां पर आपका जो स्मार्टफोन है 50% चार्ज होना चाहिए कम से कम। यहां पर अपडेट के बारे में बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं आपके जो लास्ट के पॉइंट दिख रहा है मैंने ही आपके अपडेट है, ये अपडेट आपका 2.2 का अपडेट है। और दोस्तों यहां पर आपको कुछ जो है यहां पर क्वेश्चंस बता दूं, ऑप्टिमाइज एक्सपीरियंस एंड डार्क मोड, आपका जो डार्क मोड है वो उसको ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। आपका फ्रंट कैमरे का सेल्फी कैमरे का जो है उसमें और भी इफेक्ट जो है शूटिंग इफेक्ट को बेटर कर दिया गया है। इंप्रूव द सिस्टम यूजर एक्सपीरियंस, आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है उसे भी इंप्रूव किया गया है और सिस्टम स्टेबिलिटी भी जो है आपकी इंप्रूव कर दी गई है। और आपके कुछ इश्यूज दिख रहे थे इसके परफॉर्मेंस में, वो भी इसमें जो है आपके फिक्स कर दिए गए। और विजिट द एक्स क्लब, मतलब अगर आपको और कोई भी जानकारी लेनी है तो आप एक्स क्लब में जो यहां पर जाकर पता लगा सकते हैं और यहां पर क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको सिंपल यहां पर जो है आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपका जो अपडेट है सिंपल यहां पर जो इंस्टॉल होगा, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं यहां पर इंस्टॉलिंग सिस्टम अपडेट, आपका जो अपडेट है यहां पर सिंपली सबसे पहले तो डाउनलोड होगा। और जैसे ही आपका जो अपडेट है यहाँ पर सिंपली डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ आपको जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है, तो आपको सिंपली वेट करना है। और यहाँ पर आपकी जो नेटवर्क स्पीड है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी नेटवर्क स्पीड कितनी है, उसके हिसाब से भी आपका जो अपडेट है यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके डाटा के ऊपर वो डिपेंड करता है डाउनलोड होने पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसके जो डाउनलोड होने की बाद की जो प्रोसेस रहती है उसमें आपका कितने समय लगने वाला है मैं आपको टोटल ये भी बताने वाला हूं। तो देखिए हमारा जो अपडेट है सिंपली यहां पर इंस्टॉलिंग हो रहा है। अब दोस्तों यहां पर हमारा जो यहां पर डिवाइस है वो ऑप्टिमाइज हो रहा है, जैसा कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ऑप्टिमाइजिंग योर डिवाइस, हमारा जो डिवाइस है यहां पर ऑप्टिमाइज हो रहा है। दिस में द टेक अ वाइल, आपको यहां पर सिंपली थोड़ा जो है यहां पर टाइम लग सकता है, आपको वेट करना है। तो यहां पर जब तक हमारा जो अपडेट है यहां पर ऑप्टिमाइज हो रहा है, इंस्टॉलिंग हो रहा है, यहां पर हमको सिंपली वेट करना है। और दोस्तों इसमें जो है आपको कम से कम आपके यहां से जो है 4 या 5 मिनट का वेट आपको सिंपली वेट करना है। यहाँ पर देखिए आपका जैसे और आपको यहाँ पर कोई भी आपकी जो की है आपको कोई भी की प्रेस नहीं करनी है, क्योंकि तो इसमें जो है आपका की जो है यहाँ पर आपको अगर प्रेस करते तो आपको यहाँ पर कोई भी गलती हो सकती है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है रिस्टार्ट द 2 AM, तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर अगर आप 2 बजे रात के 2 बजे के बाद यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं तो सिंपली कर सकते हैं। बाकी आपको रिस्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको जो स्मार्टफोन है सिंपली यहाँ पर शट डाउन हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑफ होने के बाद दोस्तों आपका स्मार्टफोन फिर से रिबूट होगा, ऑटोमेटिकली रिबूट होगा। आपको इस बीच कुछ भी नहीं करना है, कोई सी की प्रेस नहीं करनी है और आपको सिंपली वेट करना है। सिंपली आपका जो स्मार्टफोन है जैसे इंस्टॉल यहाँ पर जो है आपका स्विच ऑन हो जाता है, आपको सिंपली इसमें जो है बैठ लेगा, क्योंकि आपका जो स्मार्टफोन है यहाँ पर जो है सिंपली थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि आपका जो अपडेट है इसमें सिंपली इंस्टॉल होगा और यहाँ पर आपका जो भी अपडेट है यहाँ पर होने वाला है आपके स्मार्टफोन में, तो आपको सिंपली यहाँ पर बैठ करना है। और दोस्तों इसके बीच में आपको समय बता दूँ कि आपको कितना समय लगने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है, कितना जो है यहाँ पर आपको जो है प्रोसेसिंग होने वाली है कितनी देर की, तो यहाँ पर आपको लगभग जो है यहाँ पर 10
से 15 मिनट तक लग सकते हैं। 10 से 15 मिनट के बीच में आपका जो अपडेट है यहाँ पर, जो आपका डिवाइस ऑफ होता है, स्विच ऑफ होता है, स्विच ऑन होता है, उसका मैं सिंपली बता रहा हूँ कि इसमें आपको जो है 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। और दोस्तों आपका जो अपडेट है यहाँ पर, आपका जो डिवाइस ऑप्टिमाइज होता है, उसमें भी कम से कम आपको जो है 5 मिनट लग सकते हैं। मतलब आपको टोटल जो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा जो स्मार्टफोन है सिंपली यहाँ पर देखिए स्विच ऑन हो चुका है कम्प्लीटली। और आपने यहाँ पर देखा हमें कितना वक्त लगा है। अब दोस्तों इसमें जो अपडेट आया हम उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो अपडेट है सिंपली अब फिनिशिंग होगा। तो यहाँ पर हमारा जो अपडेट है सिंपली यहाँ पर फिनिशिंग हो चुका है। अब यहाँ पर हम सिंपली सेटिंग में जाकर देखेंगे हमारा जो अपडेट है यहाँ पर फिनिश हुआ है या नहीं हुआ है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमारा जो अपडेट चला गया है या नहीं गया। तो यहाँ पर सिंपली देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऑप्टिमाइज की बात करें। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ यहाँ पर थोड़ा मेरे को जो है यहाँ पर और भी स्मूथली फील हो रहा है यहाँ पर अपडेट करने के बाद। यहाँ पर देखिए हम वापस आते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं ऑनलाइन अपडेट पर। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो अपडेट है यहाँ पर सिंपली आ रहा है। और यहाँ पर सिस्टम अपडेट में यहाँ पर हमें लिखा आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेसन यूर फोन हैज बीन अपग्रेडेड सक्सेसफुली। मतलब हमारा जो अपडेट है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और हमने ओके पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो अपडेट है यहाँ पर कंप्लीटली हट चुका है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा अपडेट आया हो। बाकी कैमरे में आपको बता दूँ यहाँ पर कैमरे में हमारा जो सेल्फी कैमरा है, फ्रंट कैमरा है, उसमें जो यहाँ पर शूटिंग इफेक्ट था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो दोस्तों उसमें भी जो यहाँ पर हमारा जो इफेक्ट था उसमें भी थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, उसमें भी जो यहाँ पर इम्प्रूव करा है कुछ यहाँ पर जो है। और इसकी जो परफॉर्मेंस लेवल है वो भी यहाँ पर इंप्रूव किया गया है। बाकी आपका रियर कैमरा, जो रियर कैमरा में आपको कुछ भी नहीं किया गया है, इसमें जो आपको सिंपली आपका जो फ्रंट कैमरा है सेल्फी कैमरा उसमें इंप्रूव किया गया है। तो ऐसे ही और अपडेट की वीडियो देखने के लिए और भी सारी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए Infinix 05G 2023 की हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय जी।